क्या हाल है दोस्तों। रिसेंटली रिलीज हुए टाइगर सेंसस की रिपोर्ट ने रिवील किया है कि इंडिया में टोटल 3,167 टाइगर पॉपुलेशन है। बट ये बात तो सबको पता है, बट आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिरकार टाइगर सेंसस कैसे किया जाता है, कैसे टाइगर की पॉपुलेशन को डिटरमाइन किया जाता है, क्या हिस्ट्री रही है टाइगर की पॉपुलेशन की इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद से, और गवर्नमेंट इतना टाइगर पॉपुलेशन को इंक्रीज करने में क्यों जोर दे रही है, आखिरकार ये इतना क्यों इंपॉर्टेंट है। पहले आप टाइगर सेंसस के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लो। टाइगर सेंसस एवरी 4 ईयर इंटरवल पर होती है। टाइगर सेंसस NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। NTCA स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, कंजर्वेशन NGO, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इन सब के साथ मिलकर ये सेंसस कंडक्ट करवाती है। फर्स्ट कंट्री वाइड टाइगर सेंसस 2006 में हुई थी। ये फर्स्ट असेसमेंट ऑफ टाइगर इन इंडिया था। उस टाइम टाइगर की टोटल पॉपुलेशन 1411 थी। देन आफ्टर 4 ईयर यानी कि 2010 में सेकंड असेसमेंट हुई। उस टाइम टाइगर की पॉपुलेशन 1706 थी। थर्ड टाइगर सेंसस 2014 में हुई। उस टाइम टाइगर की पॉपुलेशन 2226 थी। फोर्थ टाइगर सेंसस 2018 में हुई। उस टाइम टाइगर की पॉपुलेशन 2967 थी। और लेटेस्ट टाइगर सेंसस जो फिफ्थ सेंसस थी वो 2022 में हुई थी, जिसकी रिपोर्ट 2023 में रिलीज किया गया। उसने रिवील किया कि अभी इंडिया में जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो 3167 है। मींस प्रीवियस सेंसस से 200 टाइगर पॉपुलेशन में इंक्रीज हुआ है। अब आपने दोस्तों फैक्ट्स जान लिया टाइगर सेंसस के बारे में। अब जानते हैं कि आखिरकार इंडिया में टाइगर सेंसस कैसे होता है। पहले टाइगर सेंसस टाइगर के फुटप्रिंट यानी कि पगमार्क से होता था, लेकिन ये जो पगमार्क वाली प्रोसेस थी ये ट्रस्टफुल नहीं थी, क्योंकि इस प्रोसेस से जो रिजल्ट आते थे वो एक्यूरेट नहीं थे। इसी कारण से टाइगर की रियल पॉपुलेशन के बारे में पता नहीं चल पाता था। बट अब जो प्रोसेस यूज होती है वो ज्यादा साइंटिफिक है और मोर ट्रस्टफुल है। अभी टाइगर सेंसस कैमरा ट्रैप से होता है। ये कैमरा ट्रैप क्या है चलिए समझते हैं। आपको बहुत मजा आएगा ये जान के कि इंडिया की जो ये कैमरा ट्रैप वाली टाइगर सेंसस है इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिला हुआ है 2018 में। चलिए जानते हैं ये कैमरा ट्रैप क्या है। देखो दोस्तों, ह्यूमंस में जैसे ह्यूमन के फिंगरप्रिंट यूनिक होते हैं, वैसे ही टाइगर के स्ट्राइप्स से मेरा मतलब है टाइगर के बॉडी पे जो डिजाइन होती है वो सभी टाइगर की यूनिक होती है। इसी के बेसिस पे टाइगर पॉपुलेशन काउंट किया जाता है। ये टोटल प्रोसेस मल्टीपल स्टेप में होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, टाइगर की सेंसस की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो पहले स्टेप में NTCA डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन लाइक स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के ऑफिशियल को अपने रिस्पेक्टिव लोकेशन में उन एरियाज को मार्क करने का टास्क देती है जहां पर टाइगर और अदर वाइल्ड लाइफ की प्रेजेंस है। ये डेटा डिजिटल फॉर्मेट में एम स्ट्राइप्स मोबाइल एप्लीकेशन में कलेक्ट किया जाता है। ये मैप देखो, आपको पता चलेगा कि डेटा कलेक्ट करने के बाद जिन जिन लोकेशन में टाइगर की प्रेजेंस है वो ऑरेंज कलर में मार्क्ड है। ऐसा करने से किन किन लोकेशन पर कैमरा सेटअप करना है वो स्पेसिफाई हो जाती है। देन जो लोकेशन स्पेसिफाई की जाती है वहां पर कैमरा सेटअप किया जाता है। ये जो कैमरा होते हैं इन्हें ट्री पर या किसी पोल पर 25-30 डेज के लिए अटैच किया जाता है डेटा रिट्रीव करने से पहले। इन कैमरा की खास बात यह है कि इन कैमराज में इंफ्रारेड बीम होती है, और जैसे ही कोई टाइगर या कोई भी एनिमल इस इंफ्रारेड बीम को ब्रेक करती है, मतलब इस बीम से पास होती है, कैमरा रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है और एनिमल के इमेज को कैप्चर कर लिया जाता है। एक और बात दोस्तों, इन कैमराज को पेयर में इंस्टॉल किया जाता है ताकि टाइगर की दोनों साइड की वीडियो कैप्चर हो सके। ये मैप आप देखो, आपको पता चलेगा कि कहां कहां कैमरा ट्रैप सेटअप किए गए थे। ये ग्रे कलर में मार्क्ड है जहां जहां कैमरा ट्रैप सेटअप किए गए थे, और जिन कैमरा ट्रैप ने टाइगर को कैप्चर किया वो ऑरेंज में मार्क्ड है। जो इमेजेस इन कैमराज में 25-30 डेज में कलेक्ट होता है, फॉरेस्ट ऑफिशियल इन डेटा को कलेक्ट करते हैं। डेटा को कलेक्ट करने के बाद डेटा को इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर CATRAT कैमरा ट्रैप डेटा रिपोजिटरी एंड एनालिसिस टूल से एनालाइज किया जाता है। ये सॉफ्टवेयर वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली के साथ मिलकर डेवलप की है। ये सॉफ्टवेयर इमेज की जियो टैगिंग में हेल्प करती है। जियो टैगिंग मतलब पर्टिकुलर पिक्चर को उन लोकेशन से टैग करना जहां से कैमरा ट्रैप ने पिक्चर कैप्चर किया है। मतलब अगर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से कैमरा ने अगर कोई टाइगर की इमेज कैप्चर की है तो उस टाइगर के इमेज को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से टैग कर दिया जाएगा। ऐसा करने से एरिया वाइज टाइगर पॉपुलेशन जानने में आसानी होती है, जिससे पता चल जाता है कि किन लोकेशन में टाइगर कंजर्वेशन पॉलिसी अच्छे से काम कर रही है, किन लोकेशन में और अच्छे से इसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, किन लोकेशन में टाइगर पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है और किन लोकेशन में टाइगर पॉपुलेशन डिक्रीज हुआ है, इन सबसे ये पता चल जाता है। अब देखो दोस्तों, ये कैमराज जो ट्री में या किसी पोल में माउंटेड रहती है, जरूरी तो नहीं है कि वो सिर्फ टाइगर के ही इमेज कैप्चर करे। कोई भी एनिमल जो कैमरा के बीच से क्रॉस करेगा कैमरा उसकी भी इमेज कैप्चर कर लेगी। तो इमेज की जियो टैगिंग के बाद AI टूल की हेल्प से डिफरेंट अदर एनिमल की पिक्चर को सेग्रीगेट कर दिया जाता है। ये AI टूल भी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर डेवलप की है। अब सेग्रीगेट करने के बाद टाइगर की इमेज से टाइगर पॉपुलेशन को काउंट किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर एक ही टाइगर मल्टीपल टाइम्स उस कैमरा को क्रॉस करेगी तो उसकी मल्टीपल इमेज आ जाएगी, तो एक ही टाइगर को 2-3 टाइम काउंट कर लिया जाएगा। पर ऐसा नहीं होता है। वो कैसे, चलिए जानते हैं। मैंने
आपको अभी बताया कि जैसे ह्यूमंस की फिंगरप्रिंट यूनिक होती है, वैसे ही टाइगर की स्ट्राइप्स यूनिक होती है। इन स्ट्राइप्स को पैटर्न रिकॉग्निशन प्रोग्राम एग्जैक्ट कंपेयर की हेल्प से एनालाइज करने के बाद टाइगर पॉपुलेशन काउंट किया जाता है। इस प्रोग्राम से ये बेनिफिट होता है कि एक पर्टिकुलर टाइगर को एक ही बार काउंट किया जाता है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल टाइगर की स्ट्राइप्स पैटर्न को इमेज डेटाबेस से कंपेयर किया जाता है। और अगर डिजाइन यूनिक होता है, मतलब अगर डिजाइन डेटाबेस में किसी इमेज से मैच नहीं करती है, तब उसे कंसिडर किया जाता है। इसी तरह से टाइगर की सेंसस होती है। मतलब दोस्तों, पहले एरिया एनालाइज किया जाता है जहाँ पे टाइगर की मूवमेंट होती है, फिर उन एरियाज में कैमराज को सेटअप किया जाता है। कैमराज को सेटअप करने के बाद वो कैमराज 25-30 डेज वहाँ से जो भी एनिमल क्रॉस करती है उनकी इमेज कैप्चर करते हैं। फिर उन डेटाज को कलेक्ट करने के बाद इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर CATRAT कैमरा ट्रैप डेटा रिपोजिटरी एंड एनालिसिस टूल, इससे एनालाइज किया जाता है। ये सॉफ्टवेयर क्या करती है, ये बस जियो टैगिंग का काम करती है। जियो टैगिंग के बाद AI टूल की हेल्प से टाइगर के अलावा और कोई भी एनिमल की अगर फोटो कैप्चर हुई है तो ये AI टूल उन इमेजेस को सेग्रीगेट कर देती है और सिर्फ टाइगर की इमेज ही रखती है। फिर टाइगर की इमेज से टाइगर के स्ट्राइप पैटर्न को एनालाइज किया जाता है एग्जैक्ट कंपेयर प्रोग्राम के थ्रू, और उस बेसिस पे डिसाइड किया जाता है। और अगर वो स्ट्राइप यूनिक होती है, मतलब अगर वो स्ट्राइप इमेज डेटाबेस में नहीं है, तो फिर उस टाइगर को कंसिडर किया जाता है और टाइगर की पॉपुलेशन इसी तरह की जाती है। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते हैं 2022 के टाइगर सेंसस के बारे में। ये टाइगर सेंसस 20 स्टेट में हुई। टोटल 641,449 किलोमीटर एरिया को सर्वे किया गया, ये एनालाइज करने के लिए कि किन जगह पर कैमरा को सेटअप किया जाए। 32,588 लोकेशन पर कैमरा ट्रैप सेटअप किए गए और इन कैमराज ने अप्रोक्स 4,70,81,881 टोटल पिक्चर कैप्चर किए। उनमें से 97,399 पिक्चर टाइगर्स की थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैमराज सारे वाइल्ड लाइफ एनिमल की इमेज को कैप्चर करती है, बट जो AI टूल होता है वो टाइगर की इमेज को अदर एनिमल की इमेज से सेग्रीगेट कर देती है। इन 97,399 टाइगर के इमेज को एग्जैक्ट प्रोग्रामिंग में एनालाइज करने के बाद ये पता चला कि नंबर ऑफ टाइगर जो इंडिया में है वो 3,080 है। तो कि मैंने आपको अभी बताया दोस्तों, क्योंकि टाइगर की स्ट्राइप्स यूनिक होती है, अगर मान लो एक ही टाइगर मल्टीपल टाइम्स एक ही कैमरा को क्रॉस करेगी तो उसकी मल्टीपल इमेज कैप्चर हो जाएगी। तो उन सब डुप्लीकेट इमेज को हटाने के लिए इस पर्टिकुलर एग्जैक्ट कंपेयर प्रोग्राम का यूज किया जाता है, ताकि सिर्फ यूनिक टाइगर ही कैप्चर हो सके। अभी दोस्तों मैंने आपको बताया कि इंडिया में टोटल टाइगर की पॉपुलेशन जो 2022 में रिपोर्ट हुई वो 3,167 है, बट कैमरा ट्रैप टेक्निक से ये पता चला कि टाइगर की पॉपुलेशन 3,080 है। तो ये एक्स्ट्रा पॉपुलेशन कहां से आया? तो देखो दोस्तों, जिन लोकेशन में इन कैमरा ट्रैप को लगाना पॉसिबल नहीं है, उन लोकेशन में टाइगर की सेट से DNA को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उस बेसिस पे एक रफ अमाउंट ऑफ टाइगर की पॉपुलेशन को एस्टिमेट किया जाता है। तो इसी कारण से कैमरा ट्रैप टेक्निक से जो नंबर आई थी वो 3,080 थी, बट ओवरऑल टाइगर की पॉपुलेशन जो इंडिया में है वो 3,167 है। शिवालिक हिल गैंगेटिक प्लेन में टाइगर पॉपुलेशन में सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को मिला। वहीं झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, वेस्टर्न घाट में टाइगर पॉपुलेशन में डिक्लाइन देखने को मिला। अब जानते हैं चल रही है टाइगर की पॉपुलेशन की इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद से। इंडिपेंडेंस के टाइम इंडिया में टोटल टाइगर पॉपुलेशन 40,000 थी, पर हंटिंग और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन के चलते, यानी कि एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, इन सब चीजों के चलते टाइगर पॉपुलेशन में रैपिड डिक्रीज हुआ। 1972 की टाइगर सेंसस में पता चला कि इंडिया में ओनली 1872 टाइगर लेफ्ट हैं। तो उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 लाया और 29 टाइगर रिजर्व क्रिएट किए। फिर 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लाया टाइगर पॉपुलेशन इंक्रीज करने के लिए। इन सब मेजर के चलते 1990 तक टाइगर पॉपुलेशन अप्रोक्स 3,500 हो गई, बट अगेन 1990 के बाद टाइगर की पॉपुलेशन में डिक्रीज देखने को मिला। रीजन वही हैबिटेट डिस्ट्रक्शन ड्यू टू एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, इन सब चीजों के चलते। और इस टाइम टाइगर की पॉपुलेशन डिक्रीज में एक और फैक्टर ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इस टाइम टाइगर की लार्ज स्केल पोचिंग शुरू हो गई। जब 2004-05 में टाइगर की डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन को एक्सटेंसिव मीडिया कवरेज मिली, तो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने टाइगर टास्क फोर्स 2005 में क्रिएट किया। इस टास्क फोर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी टाइगर कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी डेवलप करना और गवर्नमेंट को रिकमेंड करना। सो टाइगर टास्क फोर्स ने NTCA सेटअप करने के लिए और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को अमेंड करने के लिए, ताकि इस एक्ट को और स्ट्रिक्ट बनाया जाए, ये गवर्नमेंट को रिकमेंड किया। और टाइगर टास्क फोर्स ने कंट्री वाइड टाइगर की मॉनिटरिंग मॉडर्न साइंटिफिक अप्रोच से करने के लिए रिकमेंड किया। सो 2005 में गवर्नमेंट ने NTCA सेटअप किया, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। प्रोजेक्ट टाइगर को और अच्छे से इंप्लीमेंट करने के लिए ये NTCA सेटअप किया गया था। और 2006 में गवर्नमेंट ने कंट्री वाइड टाइगर सेंसस स्टार्ट कर दी। अब देखो दोस्तों, टाइगर पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करना इतना क्यों जरूरी है? तो इसके लिए मैं आपको महाभारत का एक कोट सुनाता हूँ। इफ देयर इज नो फॉरेस्ट देन द टाइगर गेट्स किल्ड, इफ देयर इज नो टाइगर देन द फॉरेस्ट गेट डिस्ट्रॉयड, हेंस द टाइगर प्रोटेक्ट्स द फॉरेस्ट एंड द फॉरेस्ट गार्ड्स द टाइगर। इससे आपको पता चल गया होगा कि टाइगर अपेक्स प्रीडेटर होते हैं और ये इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि अगर टाइगर की पॉपुलेशन डिक्रीज होगी तो हार्बीवोरस एनिमल की पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, क्योंकि इन एनिमल का शिकार करने वाला कोई नहीं होगा। इन हार्बीवोरस एनिमल की पॉपुलेशन रैपिड इंक्रीज होने से फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय होने लगेंगे, क्योंकि फॉरेस्ट से ज्यादा
ग्रास और प्लांट कंज्यूम होने लगेंगे। इसीलिए टाइगर की पॉपुलेशन को सेव करना जरूरी है ताकि इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन रहे। तो दोस्तों यही थी पूरी स्टोरी टाइगर सेंसस की, इंडिया में टाइगर सेंसस कैसे होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, ऐसा ही कंटेंट और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कुछ बोलना है मेरे बारे में या वीडियो के बारे में तो कमेंट कर। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा।